आज सुबह से गाइस बहुत बारिश हो रही है, तो मोटो ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी बारिश अभी कम हुई है, तो अभी माउंट किया है जैसे तैसे करके हेलमेट पे गोप्रो। देखते हैं अभी आगे बारिश ना मिले तो मोटो ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा। अभी बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, इस वजह से मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। तो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर कहीं आगे बारिश बंद हो जाएगी तो मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो वापस से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज है day 5 और अभी हूँ मैं पू के अंदर, और सुबह हो चुकी है, लगभग सुबह के 9 बज चुके हैं। टाइम देखता हूँ एक सेकेंड, सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हाँ मैं निकलूँगा यहाँ से पू से ताबो की ओर। और एक सेकेंड, या व्यू देखिए, यह है पू विलेज का कुछ व्यू। चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है, छोटा सा विलेज है काफ़ी सुंदर। और यहीं पे हमने रात को स्टे लिया था होटल के अंदर, तो अभी मैं होटल की बालकनी पे हूँ। और आप कैमरे से एक बार पहले व्यू देखिए, फिर बात करता हूँ आपसे। तो ये है पू विलेज का कुछ व्यू। इधर नीचे एप्पल ट्री हो रखे हैं, एप्पल ट्री की खेती हो रखी है पूरे में, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। इधर का भी आप ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है पू विलेज। छोटा सा विलेज है लेकिन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। तो हमने इधर स्टे लिया था होटल के अंदर, और ये जो पहाड़ देख रहे हैं इनके उस साइड है चाइना। यहीं कहीं पे स्क्रीन शॉट आ रहा होगा, तो आप देखिए मैं कितना दूर हूँ, बस इन पहाड़ों के उधर है चाइना। तो अभी बिल्कुल चाइना बॉर्डर के हम लोग पास में हैं। तो अभी जाने वाला हूँ मैं ताबो की ओर। तो आज देखते हैं कि ताबो के अंदर स्टे लेते हैं या फिर काजा के लिए निकलते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक देखते हैं जाना। और काजा यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है और ताबो होगा 100 किलोमीटर। तो देखते हैं कहाँ स्टे लेंगे, जैसा भी होगा आपको अपडेट बता देंगे। बाकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी जहाँ मैं रुका हुआ था। बस बाहर का व्यू दिखाने के लिए आपको सुबह सुबह आ गया, जैसे बाहर का व्यू दिखा दूँगा आपको कि कैसा है पू विलेज का व्यू। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधे आपसे गोप्रो पे। तो ये है हमारा रूम जो लिया था शाम को, तो सामान वगैरह पूरा बिखरा पड़ा है। और ये विंडो से बाहर का कुछ ऐसा व्यू था, काफ़ी सर्दी थी रात को। तो बस अभी यहाँ से सामान वामान पैक करके निकलते हैं बाहर, करेंगे ब्रेकफास्ट, होटल के अंदर नहीं कर रहे। तो मिलते हैं अभी आपसे गोप्रो। तो गाइस अभी मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुका था, और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, इस वजह से मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। तो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर कहीं आगे बारिश बंद हो जाएगी तो मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। और हवा बहुत तेज़ चल रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, शायद मेरी वॉइस में थोड़ा इश्यू आ रहा होगा तो इग्नोर करना। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ अच्छे से आ रही हो। और बाकी अभी आगे निकल रहे हैं ताबो की ओर, और ताबो अभी लगभग रह गया है 60 किलोमीटर, और बस यहाँ से निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके और आगे आपसे मिलेंगे, और सारा व्यू आपको दिखाते रहेंगे, कैसे रोड हैं, कैसा क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो बस निकलते हैं अभी आगे की ओर, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी सर्दियाँ ना बहुत तेज़ हो गई है, और ये है पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है नाको लेक, इसके कुछ एक दो शॉट्स लिए मैंने सिनेमैटिक आपको दिखाने के लिए। तो अभी देखते हैं आज ताबो पहुँच पाते हैं या फिर कहीं बीच में शायद स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। बाकी लेक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में।
बस लेक देख ली, अभी निकलते हैं आगे के लिए। एक टी ब्रेक भी देना है आगे, सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। चलिए मिलते हैं। आज सुबह से गाइस बहुत बारिश हो रही है तो मोटर ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी बारिश अभी कम हुई है तो अभी माउंट किया जैसे तैसे करके हेलमेट पे गोप्रो, देखते हैं अभी आगे बारिश ना मिले तो मोटर ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा आज मोटर ब्लॉग। और सुमोद में रुकने वाले हैं आज स्टे, सुमोद या फिर उससे आगे, सुमोद या ताबो के बीच में कहीं, जहाँ भी जैसा भी होगा आपको अपडेट करके बता दूंगा मैं कि कहाँ स्टे करने वाले हैं आज। तो गाइज अभी आ चुके हम लोग ग्यू, और ग्यू विलेज में हम लोगों ने होम स्टे लिया है और ताबो नहीं गए, ताबो हम लोग कल निकलेंगे। और होम स्टे का मैं आपको दिखा दूँ पहले व्यू, ऐसा होम स्टे है, एक बेड लगा हुआ है और इधर हमारे सामान रखे हुए हैं, नीचे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है। और ये कुछ रूम से बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। आज ग्यू में रुके हैं और ग्यू विलेज हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, कल घूमने के लिए निकलेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।